बढ़िया चार रन है तो चार है चार चार आठ रन वेरी गुड हमारा मास्टर शेफ आज फिर बना रहा है सैंडविच हमेशा की तरह ये अपना नाश्ता अपना खुद तैयार कर लेता है और सबको खिलाएगा टेस्टी टेस्टी सैंडविच। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। आई आई कहाँ से आए आप मैम? आप कौन है? हम बहुत दूर फरीदाबाद से आए हैं। किस लिए? आपका इंटरव्यू लेने। पकाओ न्यूज़ है हमारे चैनल का नाम। मेरा इंटरव्यू। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं फिर एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सुबह के बज गए हैं 8 और ये देखिए सूरज देवता कहाँ तक आ गए। इतनी तेज़ धूप है और ये हमारा पीपल का जो पेड़ जिसमें कोयल 24 घंटे बोलती है, चिड़िया कोयल। और ये सामने शावर फुहारे फुहारे चल पड़े हैं खेतों में। ये देखिए सुबह का व्यूज़। और हमारे बच्चे उधर आज सुबह जल्दी उठ के 5 बजे चाचा भतीजे सब इकट्ठा होके क्रिकेट खेलने चले गए हैं। इधर बेटी सोई हुई है इस रूम में ऊपर और मैं नहा चुकी हूँ आज थोड़ा, क्योंकि मम्मी को कहीं जाना है, सासू माँ को, उनके लिए खाना बनाना था और वो बगैर नहाए खाना बनाए तो खाती नहीं है मम्मी, इसलिए लड्डू जी को नहला के कर दिया तैयार मैंने। और बाकी सब आगे की चीज़ें मैं दिखाती हूँ। मिस्त्री आ गए हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, चाय पानी उनको दे दिया है और बने रहना आप मेरे ब्लॉग में। ये देखिए गाइस मेरे लड्डू जी ना करके हो गए तैयार, भोग भी लगा दिया है। मेरे लड्डू जी ना करके हो गए तैयार, इनको लग गया है भोग। सुबह सुबह नहीं नहीं कर ली है। ये बच्चे आ गए बारी बारी से क्रिकेट खेल के, एक तो ये आ गया, बाकी फिर नहीं आ रहे, और एक वो आ रहा है, बाकी बच्चे बाहर फिर आज स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने घुस गए हैं। मतलब मैच खेल के आते ही सीधा छलांग लगाई स्विमिंग पूल में, क्योंकि आज फिर से पानी भर दिया गया है तो बच्चे देखते ही बस डूब जाते हैं उसमें। वो इंतज़ार करते रहते कब ये भरा जाए ताज़ा और कब हम इसमें मस्ती करें। ये दो बच्चे तो यहाँ आ गए हैं, अब ये भी जाने वाले हैं। तू क्यों भाग के आ गया? तूने स्विमिंग नहीं करी? फोन छूट गया था, तो भाग के घर वाले ने, टेंशन हो गई थी ना, नया फ़ोन बहुत बड़ी टेंशन है भाई। सब चीज़ें एक तरफ, फ़ोन एक तरफ, मुश्किल से मिला। आप कहाँ जा रहे हैं? नानी टावल तो ले जा, टावल लेके जा। देखिए गाइस आज यहाँ पे काम नहीं चल रहा है, आज चल रहा है बाहर काम, तो मैं दिखाती हूँ मिस्त्री लगे हुए हैं वहाँ पे, ये सेटरिंग का सामान। ये मेरे जेठ जी का लड़का है, ये दूध लेने गया था बाहर और भी कोई काम किया होगा। देखो सुबह सुबह दातुन मुँह में ले रखी है और वो गांधी जी वाला लुक इसका, ये बेल लेके आया, तो मैं इससे मजाक कर रही हूँ, बेल का जूस पिलाएगा आज। ये यहाँ पे चल रहा है बाहर काम, ये आ गई ईंटे। हमारी
गौ माता। अरे लग गए तुम, चिक्की बताएगी, चिक्की को नहीं बुलाया ना आज है, गंदा कर दिया ना पानी, ये साफ है। ओहो वो ऊपर से उतार लो कूड़ा। हमारा मास्टर शेफ आज फिर बना रहा है सैंडविच हमेशा की तरह। ये अपना नाश्ता अपना खुद तैयार कर लेता है और सबको खिलाएगा टेस्टी टेस्टी सैंडविच। देखिए अब सबको दिखा के ला वहाँ पे ले जा, तो मुड्डी लेके जा रही हूँ, मेरे को था मुड्डी लेके जा रही है अपनी दादी माँ के बैठने के लिए पिकअप में। सो गाइस दोपहर हो गई है और ये मैंने धुल दिए कपड़े और इधर चल रहा है बच्चों का खाना, सुबह सैंडविचेज और पराठे खाए थे नाश्ते में, अब राजमा चावल लंच टाइम। एक बार सो के उठ गए हैं सब, इधर लंच चल रहा है और ये हूँ मैं। मम्मी आज हमारी गई हुई है, अभी तक आई नहीं है। और ये देख ये मेरे कपड़े देखो कहाँ कहाँ धुल के सुखाने पड़ रहे हैं, ये कहाँ का कपड़े धो के सुखाने पड़ रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते जी, आई आई कहाँ से आप मैडम? आपको हम बहुत दूर फरीदाबाद से आए हैं, इसलिए आपका इंटरव्यू लेने। पकाओ न्यूज है हमारे चैनल का नाम। हाँ पकाओ न्यूज ये चैनल का नाम तो अजीब ही है। हाँ है थोड़ा, क्योंकि हमने नया खोला है। पकाओ भी है, आपको डांस करने में इंस्पायर किसने किया? डांस करने में इंस्पायर नहीं किया, ये तो मेरे बचपन का शौक है। चैनल बनाने में इंस्पायर किसने किया ये पूछ सकते हैं? कुछ भी, क्योंकि डांस तो मेरी हॉबी है और वो बचपन से है, वो एक हैबिट है। अब मेरे दो और आएंगे, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। ये पकाओ आइए। आपने फैक्ट्री की बनाई? फैक्ट्री का आपने किस, आपको किसने बताया मेरे पास फैक्ट्री है? हमने तो नहीं बनाई है फैक्ट्री, तो ये हम ना थोड़े चापलूस है इसलिए हम थोड़ा जासूस है। हाँ कहीं ना कहीं से पता लगा ही लेते हैं ना जी, सामान देख के हमने पता लगा। आप लोग तो बड़े टैलेंटेड हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, फिर तो जासूस वाला दिमाग ना। पर इसके बारे में अभी हम आप लोगों को कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि हमने अभी पब्लिक नहीं किया है। हम अभी थोड़ा डिस्प्रेशन में हैं, इसके बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि अभी हम डिस्प्रेशन में। इसका इंटरव्यू हम बाद में देंगे, अभी और कुछ क्वेश्चन पूछिए। मेरे चैनल का नाम नहीं पता? आप मेरे चैनल को देख के यहाँ तक आ गए, आप लोगों को नाम नहीं पता? इस सच्ची में पका रहे हो, मेरा मजाक बना रहे हो, ये तो वही शर्म की बात है। पर मैं बता देती हूँ मेरे चैनल का नाम है मीनाक्षी शर्मा 9061। जिसको नहीं पता हो तो फिर से सुन लो, मीनाक्षी शर्मा 9061। ठीक है, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। मेरे चैनल पे 7000 सब्सक्राइबर हैं। अब आप क्या सोच रहे हो कि आप नेक्स्ट वीडियो किसकी बनाने? नेक्स्ट सोचती नहीं हूँ, मुझे जो भी दिखता है मैं वही वीडियो बना लेती हूँ। कभी कॉमेडी, कभी डांस की, कभी सिंगिंग की, कभी आसपास की जो वेदर है उसकी बना लेती हूँ। मैम मुझे लगता है अब तक आप पक गए है ना? नहीं नहीं, मुझे लगा आप लोग पक गए हो। हाँ जी है ना, हाथ जोड़ लो मेरी तरफ। अभी और कुछ नहीं पूछना? रुको, कुछ और भी पूछ लो भाई। गाइस मैं इन लोगों को पकड़ कर के लाई हूँ, ये भाग गए थे मुझसे पक के। पर थैंक यू सो मच, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, धन्यवाद। तो बोलना था ना, आप बिना सुने चले गए। चाय पानी पीना है कुछ? नहीं 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 नहीं, अरे नहीं पकाऊंगी, चाय पानी पी जाओ। चुपचाप बोलूंगी मैं, नहीं नहीं नहीं, हमें और भी काम है।
देखा मेरा इंटरव्यू, बच्चे थे ये मेरे ननद के बच्चे आए हुए हैं और मेरे देवर जो बाहर रहते वो आए हुए हैं उनके बच्चे, तो ये सबके पास घूम रहे हैं इंटरव्यू लेने। तो मेरे पास आए थे मामी जी, हमें ना नानी जी का इंटरव्यू लेना, आपका ले सकते हैं? मैंने कहा हाँ शौक से। उनके चैनल का नाम था पकाऊ चैनल, पर मैंने उनको पका दिया और भाग गए बच्चे। तो कैसा लगा मेरा इंटरव्यू बताना? और अब शाम के बज गए हैं 6, बाहर मिस्त्रियों के लिए चाय भिजवा दी, वो जाने वाले हैं। और हमारी मम्मी आ चुकी है, जहाँ बाहर गई हुई थी। अब मैं खाने वाने की तैयारी करूँगी, कपड़े बना रही हूँ तय, और शाम की वीडियो देखने के लिए बने रहना मेरे चैनल में। थोड़ा बहुत कुछ मैं आपसे फिर से शेयर करूँगी। तो अभी के लिए बाय बाय। हाँ जी गाइस, तो आ गई हूँ मैं फिर से। मैं बना रही हूँ रोटियाँ और दाल मैंने बना ली है, चटनी बना ली है। तो मेरी सासू माँ ना प्याज के तड़के की सब्जी नहीं खाती है, उनके लिए दाल निकाल के मेरा बेटा लगाएगा दाल में तड़का प्याज का, क्योंकि उसको सिंपल दाल पसंद नहीं आती और आजकल वो सीख भी रहा है तो खुद ही तड़का लगाता है। और ये देखिए मैं चूल्हे पे रोटियां बना रही हूँ और मेरी रोटी बताओ कैसी गोल गोल। और इतनी गर्मी में ऐसे आँच के सामने रोटियां बनाना आसान काम नहीं है ना। आजकल गर्मी वाली वो रील बन रही है ना कि बाहर मत जाना, बहुत गर्मी है, लू लग जाएगी। पर बहुओं को कोई नहीं कहता कि रोटी मत बनाना, बहुत गर्मी है। तो वो मेरे साथ हो रहा है, देखिएगा इस पसीना। ओहो, ये पसीने वाली रोटियां सबको खिलाऊंगी, पता चलेगा। तो बाय बाय, थोड़ी देर में मिलते हैं, बने रहना मेरे साथ। गाइज ये देखिए, कभी तो ये लोग रोटी का कंपटीशन करते हैं, कभी ये लोग दाल का कंपटीशन करते हैं। आज किचन इन लोगों ने पकड़ ली है, क्योंकि आज बन रही है दाल। किचन इज ऑक्यूपाइड बिकॉज दाल तड़का इज इन मेकिंग। अरे एक तो हमारा एक्सपर्ट तो रह गया चिक्कू, तेरा ही तो वेट करे, क्या बात है? तू छोंक नहीं लगाएगा दाल को, एक्सपर्ट रह गए, एक्सपर्ट ओपिनियन। चिक्कू आपको आता है दाल तड़का बनाना? चिक्कू हमारे घर का मास्टर शेफ है, चिक्कू को सब कुछ आता है। तो गाइस सबने खा लिया खाना है और मेरा बाकी है, मैं खा लेती हूँ और ब्लॉग का यही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लेना अगली नई वीडियो के लिए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।